इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा, हम लगातार आपको इंडिया टीवी पर हर कंफर्म्ड और एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं। लगातार सुबह से मंत्रिमंडल की तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। कुल 25 राज्यों से आने वाले 43 मंत्री आज शाम 6 बजे शपथ लेने जा रहे हैं। 15 राज्यों से 19 जातियों के 27 ओबीसी मंत्री शपथ लेंगे और इसीलिए हम कह रहे हैं अब की बार ओबीसी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी यंग और प्रोफेशनल मंत्रियों की एक टीम तैयार कर रहे हैं तो कई लोगों की छुट्टी भी हो रही है। अब तक की खास बात यह है कि सरकार का फोकस जो नजर आया वो उत्तर प्रदेश जहां चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, इन जगहों पर बहुत प्रमुख तौर पर दिखाई दे रहा है। तो अभी तक का अपडेट, 43 मंत्री शाम 6 बजे शपथ लेंगे। हमने आपको लगातार बताया कि इसमें माइनॉरिटी समुदाय से आने वाले लोगों का कितना प्रतिनिधित्व होगा। 5 माइनॉरिटी मिनिस्टर्स होंगे जिनमें से 3 कैबिनेट रैंक होंगे। उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि कुछ का प्रमोशन भी होगा और शाम 6 बजे से ये पूरा जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। और जो नाम जो सामने आ रहे हैं वो लगातार आपके सामने स्क्रीन पर भी हैं, अनुप्रिया पटेल जी लोग हैं जिनका कन्फर्म है मंत्री बनना, कपिल पाटिल ये भिवंडी महाराष्ट्र से आते हैं और इनके अलावा मीनाक्षी लेखी दिल्ली की सांसद हैं और मीनाक्षी लेखी का भी नाम चल रहा है और इनका भी मंत्री बनना लगभग तय है। राहुल कसावा का नाम सामने आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी के भावी मंत्रियों में। अश्वनी वैष्णव का भी मंत्री बनना लगभग तय है। इनके अलावा शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल से आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बांग्लादेश भी गए थे जब चुनावों से पहले उन्होंने वहां का दौरा किया था। और विनोद सोनकर प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में, इनका भी नाम सामने हो सकता है। पंकज चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है और ये तमाम लोग जो है, लिस्ट बहुत लंबी है, महाराजगंज से आते हैं पंकज चौधरी। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये दिल्ली में ही हैं पिछले 2 रोज से। दिलेश्वर कामत जेडीयू से जो दूसरा नाम है वो इनका सामने आया है और कुल 4 नाम जेडीयू से होंगे। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ये तीसरे होंगे जो मंत्री बनेंगे और रामनाथ ठाकुर। और खबर यही है कि 1 कैबिनेट और 3 एमओएस बनाए जाएंगे जेडीयू से, तो जाहिर तौर पर आरसीपी सिंह का एलिवेशन कैबिनेट के तौर पर होगा। और राजकुमार रंजन ये भी नाम है। प्रदीप जी, इन नामों के बारे में अगर आप कुछ जिनको भी ऐड करना चाहें करते रहें। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2019 में सरकार बन रही थी जेडीयू शामिल नहीं हुई तो जेडीयू का तर्क ये था कि जितने मंत्री बिहार से भाजपा के हैं उतना ही कोटा हमको मिले। बीजेपी इस पर तैयार नहीं हुई, उस समय फॉर्मूला बना था कि सारे एलआईज को एक एक कैबिनेट बर्थ मिलेगी, उसके लिए जेडीयू तैयार नहीं हुआ। तब से ये सौदेबाजी चल रही थी। अभी तक अगर बीजेपी जेडीयू के 4 मंत्री बनने जा रहे हैं तो इसका मतलब बीजेपी ने बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है बिहार की सरकार को बनाए रखने के लिए। उनको मालूम है कि अगर नीतीश कुमार असंतुष्ट रहेंगे तो उस सरकार को खतरा बना रहेगा। वो सरकार तभी तक है जब तक नीतीश कुमार साथ है, तो इसलिए वो एक बड़ा मुझे लगता है कि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ है कि नीतीश कुमार को खुश रखने के लिए 4 उनको बर्थ मिली है। क्योंकि उस समय कहा गया, उन्होंने कहा कि 16 हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, तो ये हुआ कि शिवसेना के 18 हैं, तो अगर आपको 5 दे देंगे तो उनको कितने दें? तो इस तरह से तो नहीं हो सकता बंटवारा। लेकिन आप चूंकि मान लिया है तो इसका मतलब एडजस्टमेंट के लिए बीजेपी तैयार हो गई है कि बिहार को सरकार को बचाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि इस पर अड़े रहें। जी, देवेंद्र पराशर के पास फिर चलते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है उनके पास। जी देवेंद्र, बताइए। सौरभ, पिछले 2 घंटे से यहाँ के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा चल रही थी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उनके एमओएस अश्वनी चौबे, इन दोनों का इस्तीफा हो सकता है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले तक डॉक्टर हर्षवर्धन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं या जो लोग हैं वो लगातार इस मना कर रहे थे कि ऐसा कोई इस्तीफा नहीं हुआ। तो जाहिर तौर पर उस खबर को हम लोग साझा नहीं कर पा रहे थे, खुद हर्षवर्धन फोन पिक नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी टॉप सोर्सेज के द्वारा ये जानकारी मिली है हेल्थ मिनिस्ट्री के टॉप सोर्सेज के द्वारा कि डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हो गया। अश्वनी चौबे जो कि एमओएस हेल्थ हैं वो बिहार में थे और उन्हें यहाँ से दिल्ली से फोन गया है और वो दिल्ली आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ये 2 डेवलपमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री को देखने को मिल रही है, लेकिन क्योंकि अभी तक हर्षवर्धन खुद कंफर्म नहीं कर रहे हैं या उनसे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं इस बात को कंफर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए पक्के तौर पर हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन और अश्वनी चौबे दोनों की छुट्टी हो रही है। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा इस पर फाइनल मुहर लग जाती है, डॉक्टर हर्षवर्धन कंफर्म कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि एक
बहुत बड़ी खबर होगी इस लिहाज से कि कोरोना दौर में डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत सारे हमले भी झेले हैं, और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उस हमले के रिफ्लेक्शन के तौर पर देखा जा सकता है अगर उनकी छुट्टी हो रही है तो, जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं। तो जो बड़ी खबर एक और दी है देवेंद्र पराशर ने, डॉक्टर हर्षवर्धन का भी इस्तीफा हो रहा है। इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी उन पर नहीं आई है, लेकिन उनके सोर्सेज जो कहते हैं वो सही होते हैं। तो और उनके जो एमओएस हैं अश्विनी चौबे यानी हेल्थ मिनिस्ट्री के, उनकी भी छुट्टी होने की खबर है। और शायद ये जितने 6-7-8 नाम हमने आपको बताए हैं उनमें ये सबसे बड़ा नाम होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा होना, देश के स्वास्थ्य मंत्री का कोरोना के पहली दूसरी लहर में जो भी उन्होंने काम किया या जितने भी आरोप लगाए गए, और इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने भी होंगे। और यकीन मानिए कि इसको लेकर अब विपक्ष भी बहुत सारी बातें कहेगा अगर डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी की जाती है तो। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे का मतलब यह है कि अगर उनको उनके काम के मुताबिक हटाया गया है, काम के बिना पर हटाया गया है, तो फिर ये एक किस्म का जो ये रिफ्लेक्शन है सरकार के ऊपर कि वो भी संतुष्ट नहीं थे कि स्वास्थ्य मंत्री ने ठीक काम किया। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप देखें तो सेकंड वेव में जिस तरह से सरकार के ऊपर लगातार हमलावर रहा विपक्ष, और सरकार की कई कारगुजारियों पर बहुत सारे टीका टिप्पणी की गई, हमने देखा कि किस तरह से देश ने सेकंड वेव में बहुत बड़े नुकसान को झेला, तो ये बात लगातार कही जा रही थी कि सरकार की तरफ से तैयारी पूरी नहीं थी, और जो फर्स्ट वेव से सबक लेना चाहिए था उसके आधार पर सरकार अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाई। हमने देखा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की इस लड़ाई की कमान अपने हाथ में थामी, प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसके बाद सारा संचालन अपने खुद से शुरू किया, और पूरी प्रेस ब्रीफिंग में भी प्रधानमंत्री कार्यालय की छाप साफ दिखाई दे रही थी। तो डॉक्टर हर्षवर्धन के ऊपर लटक जरूर रही थी, और अगर अश्विनी चौबे का भी इस्तीफा हो जाता है जैसा कि अभी देवेंद्र बता रहे हैं, तो हमें मानना पड़ेगा कि दो बड़े मंत्रालय में दो बहुत बड़ा फेरबदल। एक तो आप एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्टर और एमओएस दोनों को अलग किया जाता है, उनसे इस्तीफा लिया जाता है। दूसरी तरफ हेल्थ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर और एमओएस दोनों से इस्तीफा लिया जाता है। तो यह साफ है कि पूरे ओवरऑल की तरफ मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खुद आगे हैं, और यह दूसरा मौका होगा जब बतौर हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन इस्तीफा देंगे। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन की जहां तक बात है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत वोकल नहीं थे, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, तो उनकी कम्युनिकेशन में कहीं कोई कमी नहीं थी प्रदीप जी पूरे कोरोना काल के अंदर। दूसरी लहर में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, ये बात सही है, लेकिन मैं जो बात समझ नहीं पा रहा हूं वो ये कि मोदी सरकार क्यों ये हथियार विपक्ष के हाथ में देना चाहेगी अपने स्वास्थ्य मंत्री को हटाकर। उसका एक ही कारण हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस कि उस क्राइसिस से निकल गए, वो जो उनकी इमेज को धक्का लगा था उस समय उससे निकल गए हैं। उनको मालूम है कि जैसे ही डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाएंगे विपक्ष कहेगा कि आपने मतलब स्वीकार कर लिया कि आपसे गलतियां हुई और आपने बलि का बकरा बनाया अपने स्वास्थ्य मंत्री को, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ली। तो प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि उनके पास जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसके बेसिस पर वो इस धक्के को जो है वो झेल सकते हैं। दूसरा, उनके खिलाफ जो बात मुझे लगता है गई होगी वो दिल्ली में जो ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई, मिसमैनेजमेंट हुआ, क्राइसिस से ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ। जितनी ऑक्सीजन थी उसका ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। ठीक है कि राज्य सरकार जिम्मेदार है, लेकिन केंद्र की भी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, और मुझे लगता है कि उसका उनको खामियाजा भुगतना। एक बार देवेंद्र के पास चलते हैं, क्योंकि देवेंद्र, डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रधानमंत्री की उनसे लगातार बैठकें भी हुई, और ये भी खबरें आती थी कि प्रधानमंत्री उनके काम को लेकर बार बार उनको आगाह भी करते थे, हिदायत भी देते थे और नाराजगी भी जताते थे शायद। जी हाँ, निश्चित तौर पर ऐसा कई बार हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार उनको बैठकों में टोक चुके हैं कि कैसे बताइए, क्या समझाइए। जैसे हाल के दिनों में जब वैक्सीनेशन को लेकर कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्रियों को औपचारिकों पर ब्रीफ करना था कि आखिर वैक्सीनेशन ड्राइव जो चला हमारा किस प्रकार से चला, राज्यों को किस प्रकार से हमने ऑन बोर्ड लिया था, किस प्रकार से उन्हें इन्फॉर्म करते थे, कैसे उनके डिमांड के बारे में हमें बताते थे, ये पूरा प्रोसेस जो था वो किस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के तहत ये किया गया, ये बाकी मंत्रियों को भी बता दें। क्योंकि एक बार जब कैबिनेट दूसरे मंत्री अपने क्षेत्र में जाते हैं या किसी से बात करते हैं ताकि उस पक्ष को वो ठीक तरीके से रख पाएं, डॉक्टर हर्षवर्धन वहाँ भी जिन बातों को रख रहे थे, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ भी संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने वहाँ भी उनके साथ टोका टोकी की थी। तो जाहिर तौर पर अगर ऐसा होता है, क्योंकि मैं बार बार आगे इसलिए कह रहा हूँ सौरभ, कि उनके जो लोग हैं अभी भी इस बात को कन्फर्म नहीं कर रहे हैं। जो पहला सोर्स है कन्फर्मेशन का, जाहिर तौर पर जब मंत्री इस्तीफा दे दे वो खुद कन्फर्म कर दे कि हमने दे दिया, तो वो 100% ऑथेंटिक हो जाता है।
जाता है, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उनका इस्तीफा हो रहा है। और दूसरी चीज़ की जो उनके MOS हैं, क्योंकि वो बिहार में थे, उनको इन्फॉर्म किया गया कि आप दिल्ली पहुँचिए, और आज 12:30 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली के लिए निकले हुए हैं, और से थोड़ी देर के अंदर वो दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा झटका हो सकता है इन दोनों नेताओं के लिए। अश्विनी चौबे के बारे में उनसे जुड़े लोग हैं वो बताते हैं कि वो तो उम्मीद कर रहे थे कि शायद उनका कहीं प्रमोशन ना हो जाए, और ख़ास तौर पर प्रमोशन के पीछे वो वजह मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो संभव है कि सटे हुए राज्य से वो आते हैं, तो ऐसे बिहार से, तो ऐसे में संभव है कि उनका एलिवेशन कर दिया जाए। लेकिन अभी तक जो संकेत दिख रहे हैं या जो सोर्स हमें बता रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के टॉप सोर्स, वो इशारा कर रहे हैं कि इन दोनों की छुट्टी हो सकती है। तो क्या इसमें एक वजह आप ये भी मानते हैं कि खास तौर पर क्योंकि कोरोना की दूसरी वेव में, वैसे तो फर्स्ट वेव से राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी बहुत हमलावर थी, लेकिन दूसरी लहर में बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहे थे सरकार के ऊपर, उसको ठीक ढंग से वो काउंटर नहीं कर पाए फैक्ट्स के जरिए, नैरेटिव के जरिए? देवेंद्र, डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, उससे पूछ रहे हैं जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या डॉक्टर हर्षवर्धन का विपक्ष के हमलों का भरपूर जवाब न दे पाना या तर्कपूर्ण जवाब न दे पाना, फैक्चुअली काउंटर न कर पाना, ये वजह है? ये भी एक वजह है, और इसका एक उदाहरण सौरभ मैं आपको दे दूं कि जिस मैं ब्रीफिंग की बात कर रहा था, एक ब्रीफिंग में जब डॉक्टर हर्षवर्धन बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री ने उनको टोकते हुए यहाँ तक कहा कि हर बार संसद जैसा भाषण क्यों देने लगते हैं, आप स्पेसिफिक बताइए, पॉइंट वाइज बताइए, ताकि बाकी मंत्रियों को भी ये बात समझ में आए। और जिन मंत्रियों ने हमें इस बात की जानकारी दी थी सौरभ, उनसे हमने ये पूछा कि प्रधानमंत्री के टोकने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो कुछ भी आपको समझाया, क्या वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आई? और उनमें से अधिकांश मंत्रियों का जवाब ना में था। उनका ये कहना था कि वो क्या कुछ बोल रहे थे, क्या समझा रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक वजह जाहिर तौर पर नहीं हो सकती, ना ही यही एक वजह थी, जाहिर तौर पर कार्यकुशलता को लेकर भी PM खुश नहीं रहे होंगे। और जब सेकेंड वेव आ रहा था तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये सिर्फ नहीं थी स्वास्थ्य मंत्रालय की कि आप राज्यों को एडवाइजरी दे दें, वो तो आपका काम था, वो आपकी ड्यूटी थी, आपको तो करना ही करना था, साथ ही प्राइम मिनिस्टर को भी निश्चित तौर पर यह इन्फॉर्म करना था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के सामने पूरी दुनिया के मसले रहते हैं। ऐसी स्थिति में बतौर स्वास्थ्य मंत्री आगे क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में PM को अपडेट करना चाहिए था। एक और मैं आपको सौरभ उदाहरण दूँ कि अमेरिका के कुछ डॉक्टर्स को दिल्ली के कुछ लोगों ने, स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए लोगों ने, और यहाँ के डॉक्टर ने एक कॉन्फ्रेंस में शामिल किया था स्वास्थ्य मंत्री के साथ, और उनका यह कहना था कि हमने US के डॉक्टर को इसलिए शामिल किया ताकि स्वास्थ्य मंत्री हमारी बात ठीक तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं, सेकेंड वेव को लेकर हम जो आशंका जता रहे हैं उसको लेकर वो ठीक तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं, तो संभव है कि अमेरिका के डॉक्टर अगर बताएं तो उनको बात समझ में आ जाए। और अमेरिका के वो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं डॉक्टरी क्षेत्र में, और कोरोना पे बहुत उन्होंने काम किया है, और उनका ये कहना था कि जब मैंने ये बात बताई कि भारत को ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है सेकेंड वेव को लेकर, तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो अगर ये अप्रोच था तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें PMO पहुँचती होंगी, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी के संज्ञान में आती होंगी, और आज अगर छुट्टी हो रही है तो उन सारे वजहों को एक कड़ी के तौर पर आप देख सकते हैं। और जब डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया था तो उसके पीछे राजनीतिक वजह ज़्यादा थी, उस समय भी ऐसा नहीं था कि क्योंकि ये कोई बहुत कार्यकुशल मंत्री रहे हो इसके चलते उन्हें जगह दी जा रही है, बल्कि उसके पीछे राजनीतिक वजह ज़्यादा थी जिसके चलते इनका तब इंक्लूजन हुआ था। अब अगर आज छुट्टी हो जा रही है, मैं बार बार अगर इसलिए लगा रहा हूँ सर कि अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वो खुद या उनसे जुड़े हुए लोग इस बात को कन्फर्म नहीं कर रहे हैं कि उनकी छुट्टी हो गई है, जबकि उनसे मंत्रालय से जुड़े हुए सोर्सेज ये कन्फर्म कर रहे हैं। सौरभ, डॉक्टर हर्षवर्धन का जाना ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, देश के स्वास्थ्य मंत्री को भी हटाया जा रहा है, ये खबर देवेंद्र पराशर आपको दे रहे हैं, और साथ ही साथ उनके MOS उनके राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी, उनकी भी छुट्टी हो सकती है, ये खबरें इस वक्त आ रही हैं। तो दो तीन बड़े नाम आप कह सकते हैं उनके इस्तीफे दिए गए हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार और डॉक्टर हर्षवर्धन। थावरचंद गहलोत का नाम हम इस सूची में सिर्फ इसलिए नहीं जोड़ रहे क्योंकि उनको राज्यपाल बना दिया गया है, लेकिन इस्तीफा उनका भी हुआ है, तो बड़े बड़े नामों का भी इस्तीफा लिया जा रहा है, और इसका मतलब बिल्कुल साफ ये भी जाता है कि जिस भी मंत्री के काम से नाखुश थे, यानी परफॉर्मेंस जिसकी कहीं भी लैकिंग पाई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि वो अब और मंत्री पद पर बने रहें। एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे। और अब एक और बड़ी खबर आपको दे दें, मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई, JDU को लेकर की डील अब पूरी तरह कंफर्म हो चुकी है, एक कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री होंगे JDU से। सीधे चलते हैं देवेंद्र पराशर के पास। देवेंद्र,
नीतीश कुमार से के हिसाब से कहें, जेडीयू के हिसाब से कहें, तो एक बड़ा बार्गेन जिसकी वो लोग कोशिश कर रहे थे, दो जिसकी शुरुआत हो रही थी दो कैबिनेट और दो एमएस के द्वारा, और इसको भी इसके भी थोड़ा पहले जाएं तो 2019 में जब कैबिनेट फॉर्मेशन हो रहा था और तब जब एक सीट दी जा रही थी तब नीतीश कुमार ने ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि ये उनके लिए काफ़ी नहीं, तब जब बीजेपी के द्वारा ये बताया गया कि एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो बाद में नीतीश कुमार का आपने बयान भी सुना होगा, देखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमें सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, और उसके पीछे वजह ये बताई जा रही थी कि नीतीश कुमार अपना जो कास्ट कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं उस कास्ट कॉम्बिनेशन को सिर्फ एक सीट के मार्फत वो उसको फुलफिल नहीं कर सकते थे, और इसलिए इस बार जब बातचीत शुरू हुई तो दो कैबिनेट दो एमओ से वो बातचीत की शुरुआत हुई थी। फाइनल जो मुहर लग गई है उसमें एक कैबिनेट जिसमें आरसीपी सिंह जा रहे हैं, हालांकि ये फैसला भी सौरभ बहुत आसान नहीं था नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि ललन सिंह के बजाय वो आरसीपी को अगर चूज कर रहे हैं, हालांकि आरसीपी सिंह ज्यादा भरोसेमंद हैं ललन सिंह की तुलना में, क्योंकि बीच में आपने देखा भी कि ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार का किस प्रकार से एक लंबा दुराव हो गया था, फिर बाद में हालांकि दोनों साथ आ गए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में वो एक टीस और एक खटास रहती होगी, जबकि दूसरी तरफ आरसीपी जो कि नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उनके अधिकारी हुआ करते थे, उनके पीएस हुआ करते थे, और बाद में रिटायरमेंट लेके उन्होंने उनके साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, और बेहद भरोसेमंद है नीतीश कुमार के, जेडीयू के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। और इसका एक दूसरा मतलब सौरभ ये भी होगा कि संभव है कि जेडीयू आगे आने वाले दिनों में आरसीपी सिंह के जगह पर उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, हालांकि वो फैसला भी आसान इस लिहाज से नहीं होगा क्योंकि आपने देखा है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का जो रिलेशन है किस प्रकार से लव एंड हेट का रिलेशन रहा है, दोनों कई बार पास आते हैं फिर बहुत दूर जाते हैं, क्या नीतीश कुमार ये भरोसा कर पाएंगे, लेकिन जेडीयू से जुड़े हुए सोर्स ये बता रहे थे कि एटलीस्ट अंडर कंसीडरेशन ये जरूर था। देवेंद्र आपसे मैं बिहार से आ रही दूसरी पार्टी के बारे में पूछना चाहता हूं, जेडीयू के बारे में देवेंद्र पराशर ने बताया एक कैबिनेट मंत्री जो कि आरसीपी सिंह होंगे और तीन राज्य मंत्री बनाए जाएंगे, पशुपति पारस को जगह मिल रही है ये तो तय माना जा रहा था, अब उनको एमओएस रैंक दिया जा रहा है एलजेपी से। जी हाँ सौरभ, और उनको भी जेडीयू कोटे के तहत ही बताया गया है, क्योंकि जो जेडीयू चार सीटें जो मांग रही थी तो उसमें ये कहा गया कि ये पारस को भी अगर हम लोग दे रहे हैं इस चार के अलावा तो ये भी जेडीयू कोटे से ही दिया जा रहा है पशुपति कुमार पारस को, और उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और एमओएस के तौर पर ही उनको शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा सौरभ एक और बड़ी खबर आपको बताऊँ, हरियाणा से आने वाले रतन लाल कटारिया उनका इस्तीफा हो गया है, वो जल संसाधन राज्य मंत्री अभी तक थे लेकिन आज उनका इस्तीफा ले लिया गया है। रतन लाल कटारिया हरियाणा के मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाते हैं और दलित समुदाय से आते हैं और लेकिन बहुत सहज नेता के तौर पे जाने जाते थे, लेकिन जाहिर तौर पे प्रशासनिक कार्य कुशलता की बात करें तो वो उस एक्सपेक्टेशन पर खड़े नहीं उतरते नजर आ रहे थे, और शायद इसका नतीजा ये हुआ कि आज रतन लाल कटारिया का भी इस्तीफा ले लिया गया है, और इस प्रकार से अब तक तकरीबन 8 से 9 लोग ऐसे हैं सौरभ जिनका इस्तीफा अब तक लिया जा चुका है, और संभव है कि शाम होते होते कुछ और नाम भी अभी सामने आ जाएंगे, 14 से 15 तक बताया जा रहा है कि वो संख्या जा सकती है। सौरभ तीन बड़ी खबरें इस वक्त की जो देवेंद्र ने आपको दी कि अब कुल मिलाकर 8 से 9 इस्तीफे हो चुके हैं, उसमें एक संशय केवल शायद अश्विनी चौबे का है लेकिन वो भी लगभग कंफर्म नहीं है, तो उनको मिला लें तो 9 इस्तीफे मौजूदा मंत्रियों के हो चुके हैं और ये संख्या 14-15 तक हो सकती है। दूसरा, जेडीयू के एक कैबिनेट और 3 एमओएस मंत्री बनाए जाएंगे, एलजेपी के पशुपति पारस को भी जेडीयू कोटे से ही जगह दी जा रही है, यह भी खबर है। तो तीन बड़ी खबरें इस वक्त की और सारी ऑथेंटिक खबरें इंडिया टीवी पर लगातार हम आपको दे रहे हैं, कुल 43 मंत्री शपथ लेंगे शाम 6 बजे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है हमारे लिए, जल्द लौटते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।